रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने की हदायत शहबाज शरीफ ने दी। साबिक वजीर आला के सेक्रेटरी इमदादुल्ला बौसाल ने नैब को जवाब जमा करा दिया। नैब ने एहतसाब अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। सस्ता घर स्कीम मंसूबे में अहम पेशरफ्त। पहले मरहले में लोधरा में 3 और 5 मरले के 800 घर, चिश्तिया में 3 मरले के 1400 घर तामीर किए जाएंगे। वजीर हाउसिंग की जेर सदारत इजलास में फैसला। यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल की बहाली का मामला, हस्पताल बहाली कमेटी का पहला इजलास कल पीकेएलआई में तलब कर लिया गया। कमेटी यूसीएच की रिवैम्पिंग के लिए तमाम इम्कानात का जायजा लेगी। दुकानों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वालों की शामत आ गई। एलडब्ल्यूएमसी ने कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सैकड़ों चालान कर दिए। जीवन मार्केट जोहर टाउन, क्रीम ब्लॉक मार्केट और अलामा इकबाल रोड पर चालान किए गए। साफ पानी के मंसूबे फिर नजरअंदाज। तामीर मुरम्मत और बहाली का काम न होने से फिल्टर प्लांट्स नाकारा होने लगे। टीएमए की जानिब से लिटन रोड में आने साहब कब्रस्तान के बाहर लगाया गया प्लांट तामीर मुरम्मत न होने से नकारा हो गया। प्राइवेट कार्गो माफिया रेलवे कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगा। लीगेज वैन्स पर ओवरलोडिंग से रेलवे को करोड़ों रुपए का चूना। प्राइवेट कार्गो धड़ल्ले से मशीनरी दीगर शहरों में भिजवाने लगे। रेलवे कवानीन के मुताबिक कार्गो के जरिए मशीनरी नहीं भेजी जा सकती। और तहरीक इंसाफ की 100 रोजा कारकर्दगी, तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी। 84,000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा ग्रुपों से वागुजार करवाई हुकूमत पंजाब।